नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दी। तो कल जितनी बात हुई थी उससे अब आगे और हम लोग ध्यान देने का काम करते हैं। कल असाइनमेंट के रूप में जो अंग्रेजी सत्र में असाइनमेंट मिला था वो अपने को भी करना था, और उसके साथ एक बात जोड़ी गई थी कि अपने जो मेजर कंसर्न्स हैं उसको भी नोट कर ले। लिख के किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने आप में ठीक से देख लिया कि हाँ ये मेजर कंसर्न्स हैं। तो कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग जो सामान्य रूप से कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, है ना, उसको लिस्ट किया था और उसके एक एक करके हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। तो एक समस्या आती है कि हम शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये पहले ही बात हुई कि अपने भाव को देखने के लिए आंखों की जरूरत है नहीं, शरीर को प्रयोग करने की जरूरत है नहीं। तो फिर भी अगर लगता है कि अभ्यास है शरीर के माध्यम से देखने का, तो फिर उसको अपने आप में ऑब्जर्व कर ले कि देखो फिर वो गलती हो रही है, शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहा हूँ जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे ध्यान फिर लौट आएगा, सीधे सीधे भाव को देखने का काम करेंगे। आप पाएंगे जैसे आप शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें भीग जाएंगी, आप अपने मेधस पे ज्यादा जोर लगाएंगे या फिर आप सर झुका लेंगे और देखना शुरू करेंगे। कई बार ये होता है कि हम जैसे ही किसी कल्पनाशीलता के साथ बहने लगते हैं, हमारी अवेयरनेस जैसी कम होती है, हमारा सर झुक के ठुड्डी जो है वो नीचे आ जाएगा। परंतु यदि अवेयरनेस बनी रहती है तो हमारा सर एक ही स्थिति में बना रहेगा। अगर आंखें बंद करके आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पता लगता है कि अगर अवेयरनेस गई तो शरीर भी ढीला पड़ जाता है ना, या शरीर के माध्यम से देखने गया तो शरीर पे जोर पड़ने लगता है। तो यदि अवेयरनेस बनी रहती है तो हम ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मैं बह रहा हूँ भाव के साथ, विचार के साथ, या फिर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, एक बात जो कई बार आती है कि भाव स्पष्ट नहीं है, तो अगर आप अपने भाव को नहीं देख पा रहे हैं परंतु तो अपने विचार को देख सकते हैं, तो विचार को देखने का काम करें। विचार के आधार पर अपने भाव का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे यदि प्रतिस्पर्धा का विचार आ रहा है तो विरोध का भाव है, पोषण का विचार आ रहा है तो स्नेह का भाव है, ममता का भाव है। अंततः सीधा सीधा भाव को देखने का काम करना है। तो विचार अगर दिख पा रहा है और भाव नहीं दिख पा रहा है तो ये कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसमें भी जो एक सामान्य विधि है कि हम क्यों प्रश्न करें अपने आप से, क्यों प्रश्न करने से इच्छा स्पष्ट होती है, भाव स्पष्ट होता है। जैसे मैं अगले से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ, क्यों उससे आगे निकलना चाहता हूँ, क्यों। तो इस तरह से अगर हम पूछेंगे ना क्यों प्रश्न, तो हमको वहाँ इच्छा स्पष्ट होती है, इससे मैं सुखी होना चाहता हूँ, इससे मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक तो हमारी मान्यता भी स्पष्ट होगी वहां पर, और दूसरा बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं, है ना, बट उसके लिए हम एक विरोध के भाव के साथ दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा अपने में स्पष्ट होगा। तो ये भी एक कई बार ऐसी चीज होती है। और अपने आप में देखेंगे तो ज्यादातर समय तो हम विचार को ही देख पाते हैं, भाव चूंकि आधार में होता है वहां तक ध्यान नहीं जाता, ठीक। और जब ध्यान जाता भी है तो उस भाव को ज्यादा देर तक ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट उसके आधार पर हम विचार के साथ बहने लगते हैं। तो या तो हम भाव को वो देख नहीं पाते, या देखते भी हैं तो उस भाव के साथ फिर विचार में बहने लगते हैं। तो भाव को स्थिर होकर उसको ऑब्जर्व करना, टिक जाना उस पर, ये इम्पोर्टेंट बात है। और जब वहां टिक के ऑब्जर्व करेंगे तो फिर ये भाव भी किसको कह रहे हैं, विचार किसको कह रहे हैं, ये सारे प्रश्न पनपेंगे अपने अंदर कि भाव ही दिख रहा है या विचार दिख रहा है, भाव किसको कहेंगे, भाव होता क्या है, भाव है कहाँ, भाव पहले है कि विचार पहले है, ये सारे प्रश्न भी उभरेंगे आपके अंदर। या कई बार लगेगा कि भाव तो कुछ है ही नहीं, गैप है बीच में, और यहाँ भाव तो है ही नहीं, या जिन भावों को हमने बताया सम्मान स्नेह विश्वास वो सब तो दिख नहीं रहा। तो भाव तो हमारा शरीर के साथ संबंध में भी है, दूसरे मनुष्य के साथ संबंध में भी है, शेष प्रकृति के साथ संबंध में भी है, जो अतीत में हो गया उसको लेकर भी है, जो वर्तमान में है उसको लेकर भी है, जो भविष्य में होने वाला है उसको लेकर भी है। तो भाव का अर्थ भी हमको ठीक से स्पष्ट होगा, और जब भाव का अर्थ स्पष्ट होने लगता है तो फिर आप सहज रूप से उस भाव को देखने का प्रयास करने लगते हैं जो सहज स्वीकार्य है, यही कुल करने का काम है। यदि भाव स्पष्ट नहीं हो रहे, सिर्फ विचार ही पता लग रहा है, तो
उस विचार के पीछे भाव को जाके देखें, ना अपनी भागीदारी को देखें तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ऐसा लगता है कि मेरी कल्पनाशीलता केवल कभी कभी चलती है, हमेशा नहीं चलती। इसे चेक करते रहें कि आपकी कल्पनाशीलता कभी कभी चलती है या हमेशा चलती है ना। आप कभी कभी देख पाते हैं या हमेशा देख पाते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि कल्पनाशीलता तो हमेशा चल रही है, आप देख कभी कभी पाते हैं। जब हमको प्रायोरिटी बनती है तो देखते हैं, नहीं प्रायोरिटी बनती नहीं देखते। इतना तो हो जाएगा आपको कि धीरे धीरे आपको पूरे समय कल्पनाशीलता का होश रहता है। ये और बात है कि कल्पनाशीलता में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका भी होश रहता है, बट आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे। बट कल्पनाशीलता पूरे समय चल रही है ये तो होश में आ सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। कल्पनाशीलता ठीक नहीं चल रही ये भी होश में आ सकता है, बट ठीक नहीं कर पा रहे इसमें विवशता लगती है, बह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। पहले से ये पता होता है कि सामने वो वस्तु आएगी और उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे, ये कल्पनाशीलता में दिख भी पा रहे बट फिर भी आ जाते हैं। तो इस तरह की बात तो हो सकती है, परंतु कल्पनाशीलता के प्रति अवेयरनेस तो बनी रह सकती है पूरे समय। इनफैक्ट हम लोग कहते नहीं भाई सोच रहे हैं, सोच रहे मतलब कल्पनाशीलता में बह रहे हैं या कल्पनाशीलता को देख रहे हैं। तो जैसे आजकल काफी बात होती है ओवरथिंकिंग की, ओवरथिंकिंग करने का मतलब यही हुआ कि हम विचारों में बह गए हैं, उलझ गए हैं, ठीक है ना, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। पर इतना तो है कि कल्पनाशीलता चल रही है उसको देख रहे हैं, तभी तो हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये करना है, कल्पनाशीलता चली तो पता लगता है, कल्पनाशीलता को दृष्टा भाव के साथ देखना है, एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखना है। और उसको थोड़ा सा और चर्चा की जाए इन मुद्दों पे जो डाउट्स बनते हैं हमारे अंदर। तो जब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करता हूँ तो सिर में दर्द होने लगता है या नींद आने लगती है, ऐसा क्यों? तो अपनी कल्पनाशीलता को यदि आप फोर्सफुली देखने का प्रयास करते हैं तो आपको हेवीनेस फील हो सकता है, क्योंकि मूलतः आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यदि आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपने अभ्यासवश आंखों से कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास कर रहे हैं और देखने के लिए आंखों को फोकस कर रहे हैं, इस कारण आपके सिर में दर्द हो रहा हो। दूसरी तरफ यदि आपको अपनी कल्पनाशीलता महत्वपूर्ण नहीं लग रही, उसमें आपको सुख नहीं मिल रहा, तो ये संभावना है कि आप अपना फोकस लूज कर दें और आपको नींद आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं फिर? तो एक बात तो यह है कि सजग रहते हुए अपनी कल्पनाशीलता को देखने का निर्णय लें। दूसरा, बस देखते रहें, फोर्स ना करें, ध्यान भटक भी जाए तो कोई प्रतिक्रिया ना करें, बस देखते रहें। एक ये भी कर सकते हैं कि आंखों से कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि तो आंखों से दिखेगा भी नहीं, दिखना तो स्वयं में है, स्वयं द्वारा है। और हर क्षण सजग रहें, यदि आपकी सजगता खो भी जाती है तो जैसे ध्यान लौटे बिना किसी प्रतिक्रिया के दोबारा सजग हो जाए और कल्पनाशीलता को देखते रहें। नींद आ जाना तो मैं कहूँगा कि किसी रूप में उपयोगी है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम जितना विचारों से थकते रहते हैं और सोने जाते हैं तो भी नींद नहीं आती ठीक से, नींद से उठने के बाद भी ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी थकान रहती है शरीर में। तो ऐसे मौके पर ना जब आप अपनी ओर ध्यान दे रहे होते हैं और जब नींद आती है तो वो नींद आपके शरीर की थकावट को, मन की थकावट को काफी ठीक से दूर करता है, उसका तो सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में ऐसा होगा, नींद आएगी। इनफैक्ट रात को अगर आप ध्यान करते हुए यानी अपने ऊपर ध्यान देते हुए सोएंगे और इन मुद्दों पर बारीकी से ध्यान देंगे भाव के ऊपर, तो जो नींद आएगी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अनुमान तो तब कहेंगे जब किसी घटी हुई घटना को उस अर्थ में हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या आगे वाली किसी घटना के बारे में हम उस अर्थ में निष्कर्ष दे पा रहे हैं, तब तो अनुमान। अदरवाइज जो प्रस्ताव आया है उसको हम कल्पनाशीलता फैला रहे हैं, उसको चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अस्तित्व सहसित्व है, इसको हम अपने आप में चित्रित करते हैं। शून्य है, हर जगह व्याप्त है, उसी में सारा ब्रह्मांड है, ग्रह गोल है, उसी में एक धरती है, इसी धरती पर मैं हूँ, मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं वो भी शून्य में है। अब इस चीज को हम चित्रित कर सकते हैं अपने आप में, अब इसमें अनुमान वाली कोई बात नहीं है। चित्रण सही है कि नहीं, वो दो तरह से आप इसको तय करेंगे। एक तो जो प्रस्ताव मिला है अपने आप को उसको हम और ठीक से अध्ययन करेंगे, देखेंगे जो हमारे चित्रण फैला वही है जो प्रस्ताव में मिला है अपने को, एक बात। दूसरा, अपनी सहज स्वीकृति से जोड़कर देखेंगे कि सहज से स्वीकार होता है कि नहीं।
जैसे ये अस्तित्व है या क्रिएशन है। तो क्रिएशन है ऐसा हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं होता, अस्तित्व है ये स्वीकार होता है। अस्तित्व है बना रहेगा ये स्वीकार होता है, या कभी प्रलय आएगा सब मिट जाएगा ये स्वीकार होता है। तो अगर अनुमान में आपका प्रलय बन रहा है तो सीधी सी बात है, ये हमारे सहस्तित्व सहज स्वीकृति से मेल नहीं खा रहा। क्यों प्रलय हो और सब कुछ समाप्त हो जाए, अस्तित्व है बना रहेगा। जो रूप गुण परिवर्तन हो रहा है वो होता रहेगा, जो जड़ इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है होता रहेगा, जो चैतन्य इकाई में परिमार्जन की संभावना है वो बनी रहेगी, ध्यान देने से परिमार्जन होता रहेगा। ये सब तो हम चित्रित कर ही सकते हैं। अगर भय हो रहा है तो यानी कि कोई चीज है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसा है वैसा देख नहीं पा रहे। देखिए ये अगर आप ठीक से देखें तो पूरे अस्तित्व में दो ही तरह की इकाइयां हैं, जड़ है और चैतन्य है। जड़ में परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है, उसके रचना विरचना होती रहती है, गठन में परिवर्तन होता ही रहता है। चैतन्य को देखें तो चैतन्य एक समान बना ही रहता है, गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अधिक से अधिक सुखी होता है या दुखी होता है। जो दुख है वो निरंतर नहीं है, सुख है वही निरंतर है। तो अगर आप ऐसे देखें तो पूरे अस्तित्व में अगर हम कहीं भयभीत हो रहे हैं तो कुछ है जो हमने अन्यथा मान लिया है, जिससे हमने अपनी आशा को जोड़ लिया है जो है नहीं। क्योंकि जो गठनशील है जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन तो होगा ही, बस हमारी आशा के अनुरूप हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुद्दा है। कभी हम भयभीत होते हैं या उसकी तरह प्रभावित होते हैं। जो चैतन्य है उसके गठन में कोई परिवर्तन होना नहीं है, दुख जो भी है वो निरंतर नहीं है, सुख ही निरंतर है, वो उपलब्धि होनी ही है अगर हम जांचेंगे परखेंगे। तो पूरे अस्तित्व में देखें तो व्यवस्था बनी ही हुई है, उसमें कुछ भी बिगड़ना नहीं है। वैसे ऊपर से देखें मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो जी कुछ भी बिगड़ना नहीं है। भाई पौधा है ना, अधिक से अधिक हो सकता है कि आग में जल के झुलस के मिट्टी का भाग बन जाए, इतना भी हो सकता है कि जो धरती है वो आपका गोला बन जाए, ठीक, बट चैतन्य इकाई चैतन्य बनी रहेगी, जड़ इकाई जड़ बनी रहेगी। अवस्थाओं में मात्रात्मक परिवर्तन दिखाई देगा कि पेड़ पौधे नहीं रहे, पशु शरीर नहीं रहे, मानव शरीर नहीं रहा। वैसे अगर आप देखें बहुत ही तात्विक रूप से इतना ही भर है, तो जो जड़ है वो परिवर्तनशील पहले से ही है, तो परिवर्तन हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है, जो मतलब संभावित है, जो हो सकता है, जिसकी प्रोविजन बना हुआ है नेचर में। चैतन्य में ये सब कुछ होगा नहीं, जैसे आग पूरा धरती आग का गोला बन जाए उससे चैतन्य इकाई में तो क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, अधिक से अधिक शरीर साधन के रूप में नहीं रहेगा। अगर हम इतने मौलिक अवसर पर जाके देखेंगे तो अपने को दिखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो वही हो रहा है जिसके होने की संभावना है, और एक ही कठिनाई हो सकती है धरती में, वो ये है कि हम दुखी हो जाए, और वो हम तभी होते हैं जब समझते नहीं है। तो ये भी अपने को देखना जरूरी है, इनको एक मुद्दा बनाना जरूरी है कि अल्टीमेटली सेल्फ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये सब करते हुए, तो उसके प्रति फिर हम गंभीर हो पाते हैं। परिवार बढ़िया चल रहा है, जॉब पक्की बनी हुई है ना, स्वास्थ्य ठीक बना हुआ है, परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ है, सेल्फ में क्या ट्रांसफॉर्म कर पाए हम, जिसको मैं कहूँ कि पिछले 40 साल का अचीवमेंट है। अगर परिवर्तनशील को ही परिवर्तनशील बनाए रखते हुए ठीक हम किसी तरह नियोजित करते जा रहे हैं, मैनेज करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेल्फ में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो कोर इशू तो सेल्फ का डेवलपमेंट है, इसको हमको इवेल्युएट करना है कि पिछले 40 साल में, 50 साल में, 80 साल में हम, या 20 साल में क्या डेवलप कर पाए, डेवलप किए या कहीं कहीं पे और फंस गए। जो प्री कंडीशनिंग्स पहले कभी नहीं थी जन्म लेने के समय वो बना के रख ली, उसका मूल्यांकन भी नहीं हुआ। जो भय पहले कभी नहीं था वो भय भी पैदा कर लिया, जो तनाव पहले नहीं था तनाव भी पैदा कर लिया, पहुंचे कहीं नहीं हम। तो वैसे अगर आप सेल्फ की जर्नी को देखें तो वो हमको नोट करना चाहिए कि सेल्फ की जर्नी में क्या अचीवमेंट, क्या लॉसेज हुए, क्योंकि जब बहुत छोटे थे तब तो ये सब चीजें नहीं थी, अब ये सब चीजें और हो गई हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो वो ठीक से तब इवेल्युएट होगा जब हम अपने अचीवमेंट्स को देख पाएंगे ब्लॉक B1 में, कि कुछ हो रहा है कि नहीं, या ब्लॉक B1 में दिखने के लिए तैयारी भी ठीक से हो पा रही है कि नहीं, कि नई नई कंडीशनिंग से बनाते जा रहे हैं। अभी आप देखिए तो न्यूज पे ऐसा न्यूज आता रहता है कि इन्होंने कोई क्राइम कर दिया और उसके लिए भागे फिर रहे हैं, और फिर जेल कर दी गई और है ना दंड मिल गया। अब वैसे आप देखिए तो क्षण भर की घटना थी जिसमें उन्होंने अपराध कर दिया,
बट उसके साथ अगर आप देखिए तो सेल्फ में क्या अचीवमेंट हुआ, जो भय पहले नहीं था वो भयग्रस्त हो गए, है ना, जो दुख पहले नहीं था दुख घेर गया, ठीक। तो सेल्फ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सेल्फ में क्या अचीवमेंट हुआ, तो उल्टी ही दिशा में चल रहे हैं फिर तो। अगर हम इस बारीकी से देखेंगे तो हमको बहुत जिम्मेदारी से सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए काम करने की प्रेरणा बनती है, और इसको एक मुद्दा बनाएंगे कि सेल्फ में क्या परिमार्जन हुआ। इनफैक्ट कई बार जब हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, तो बहुत सारी घटनाओं को हम रख पाते हैं, पहले हम कहाँ थे और कहाँ है, घटनाओं के रूप में कैसे परिचय जी हुआ, व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, बट सेल्फ में क्रियाओं में क्या परिमार्जन हुआ उसको भी और ठीक से अपने को देखने की जरूरत है। पहले क्या चित्रित नहीं कर पा रहे अब कर पा रहे हैं, पहले क्या विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे अब कर पा रहे हैं, ब्लॉक B1 में क्या उपलब्धि हुई, तो उसको अपने को स्पेसिफिक इशू बनाना है लाइफ में कि ये मुद्दा है सेल्फ का डेवलपमेंट, और उसको लोकेट करना है कितनी मान्यताएं मूल्यांकित हो गई, कितनी मान्यताएं नई बन गई शरीर बढ़ने के साथ साथ। एक और इश्यू यहाँ लिस्टेड है, कई बार जब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करता हूँ तो मैं इसे थोड़ी देर देख पाता हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक हो गया है, जैसा भैया अभी शेयर कर रहे थे, कल्पनाशीलता में कुछ भी नहीं चल रहा। तो जैसे कि पहले भी चर्चा हुई, कल्पनाशीलता B2 ब्लॉक में चलती है, जबकि उसको देखने का काम हम B1 ब्लॉक से करते हैं। यदि B1 ब्लॉक पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है और आप B1 के ऑब्जर्वेशन के बिना ही विचार कर रहे हैं, तो ऐसा लग सकता है कल्पनाशीलता में कुछ नहीं चल रहा है, एक संभावना यह है। दूसरी संभावना यह है कि जब आप अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपके लिए काफी डिस्टर्बिंग है, आपको असहज करने वाला है, तो आप बिना अवेयरनेस के ही उसे रोकने का प्रयास करते हैं और उस क्षण के लिए आप ब्लैंक हो जाते हैं, तो अगले क्षण फिर कल्पनाशीलता काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो बस अपनी कल्पनाशीलता को देखते रहिए, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना उसे रोके या बिना बदले प्रतिक्रिया किए। तो इस क्षण मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ, इस क्षण मुझ में जो इच्छा विचार आशा चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ, खासकर मैं अपने भाव यानी इच्छा को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, इस क्षण स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देखना है, जैसा चल रहा वैसा ही, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोकने का प्रयास किए, बदलने का प्रयास किए, और वो भी हर क्षण। यदि आपकी कल्पनाशीलता बिना आपके अवेयरनेस से कहीं और ड्रिफ्ट हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इस बात को नोटिस कर लें कि आपकी कल्पनाशीलता ड्रिफ्ट हो गई है। यह निर्णय भी बनाए रखें कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, ध्यान वापस आ जाए तो इस क्षण कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसे देखें बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो ये काम अपने आप में करते रहना है, हर क्षण करते रहना है, यही करने का काम है Step 1 में। बेसिकली बैठ रहे इस काम के लिए ना, तो जितने भी चीजें ध्यान में आती हैं, और अच्छी बात है ऐसे अवसरों पर ध्यान में भी आती हैं, तो उसको लिखते चलें कि ये काम छूट गया, ये काम याद रखना है ना, ये काम अभी पेंडिंग है, शेष है, उन सबको एक जगह लिखते चलें कि इस क्षण मुझे नहीं करना है, बट उसको नोट जरूर कर लेना है, उतने को नोट कर लें, वो धीरे धीरे वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, जैसे उसका 20 चीजें याद में आ गई, ठीक, घर को लेकर, ऑफिस को लेकर 20 चीजें याद में आ गई, उसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फिर आपका रियल इश्यूज पर ध्यान जाता है। ये जो करने वाला काम है ना, जो लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, इससे जो और आगे चलकर जो दिखने वाला काम है, भाव है, विचार है, उस पर फिर ठीक से ध्यान जा पाता है। तो ये होता है जनरली, हम कहीं भी हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, और जिम्मेदारी हमको ध्यान में आती रहती है, कई बार इतनी जिम्मेदारियां साथ में हो जाती कुछ ध्यान से हट जाती हैं, तो ऐसे मौके जब बैठते हैं तो वो भी ध्यान में लौट कर आती है। इनफैक्ट एक अच्छा अभ्यास भी है कि सुबह उठकर कुछ समय अपने लिए इस तरह से भी लगाएं स्वयं में बैठकर, कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हमको ठीक से याद आ जाए, ध्यान में आ जाए, उनको कहीं नोट कर लें, ठीक, और फिर उसके बाद हम फिर अपने भाव विचार पे ठीक से काम करें, दिन में एक बार, दो बार, चार बार भी इसको करें, और फिर अपने भाव विचार पे काम करें, तो अपने भाव को ऑब्जर्व करें, फिर आप पाएंगे कि यदि भाव यदि सजग होते हैं तो ये भूलने वाला काम भी कम होगा, और मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकता है कि हमें खुद से पूरी नहीं करनी है, अगर और लोगों को तैयार किया जाए, उनमें समझ की जाए, उनको जिम्मेदार बनाया जाए, तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज लगता है कि सारा काम मुझे ही करना है। तो मूल रूप से देखें तो है ना, कई बार यदि हम दूसरे की समझ के लिए काम ना करें तो फिर हमारे पास बहुत सारा काम पड़ता जाता है।
बट यदि हम हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाते चले, परिवार में भी कॉलेज में भी, तो हमारी जिम्मेदारी फिर अलग तरह की बनती है। तो सिर्फ ये सबका पेंडिंग काम अपने को करना है ऐसा नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है उसको हम लिस्ट करेंगे कि इनके साथ बहुत दिनों संवाद नहीं हुआ, संवाद करना है, इनके साथ मीटिंग करनी है, एक वर्कशॉप अटेंड ऑर्गेनाइज करना है वर्क कॉलेज में, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं किया, है ना। जितना डीपली आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले भाव दिखेगा, फिर भाव के आधार में जो सहज स्वीकृत भाव है, जिसके आप भाव में सारा विरोध का भाव चल रहा है या अव्यवस्था का भाव चल रहा है वो भी दिखाई देगा, मूल आवश्यक मूल वास्तविकता क्या है वो भी दिखाई देगी। बेसिकली मुझे चैतन्य को जानना है, जड़ को जानना है, शून्य को जानना है, शून्य में इनके संपृक्तता को जानना है। तो जितना हम डीपली ऑब्जर्व करेंगे, तो अभी हम जो पहले ही बात हुई, ज्यादातर समय जो ऑब्जर्वेशन हमारा होता है घटनाओं को लेकर होता है कि कोई घटना हो गई, किसी ने कुछ कहा, कोई व्यवहार को लेकर हो गया, घटनाओं के फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं डीपली, तो अगले के विचार में क्या चल रहा होगा, मेरे विचार में क्या चला, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। और डीपली जाएंगे तो भाव दिखाई देगा, और डीपली जाएंगे तो दिखाई देगा कि वो अपने आप में एक चैतन्य इकाई है, किस प्रकार मैं चैतन्य इकाई हूँ, किस प्रकार हम शून्य में बने हुए हैं, किस प्रकार शून्य बने रहते हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, परस्परता में भागीदार है, ये बातें स्पष्ट होने लगती है। तो बहुत समय हमारा ऑक्यूपाइड रहता है घटनाओं को लेकर, हमारी कल्पनाशीलता ऑक्यूपाइड रहती है घटनाओं को लेकर, घटनाओं के जो आधार में नियम है उन नियमों को हम नहीं देख पाते। नियम क्या है? संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व। तो नियम को भी देखना है, किस नियम के आधार पर इस व्यक्ति के साथ मेरा उभय सुख हो सकता है, और किस नियम और कैसी भ्रांति बन गई है मुझ में या अगले व्यक्ति में जो उस नियम को नहीं देख पा रहा है। तो डीप डाउन कई बार लोग माने रहते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं कि ऐसा ही है, कोई यहाँ किसी का संबंध ही नहीं है, सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे से ही सब काम होता है, पैसे का ही बोलबाला है, ये तो झूठ का जमाना है, एंड सो ऑन, बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है। आप जरा सा बातचीत करना शुरू करें निकलने लगता है, तो पता लगता है अपने आप को कि व्यक्ति इस लेवल पे जी रहा है, तो उसके अंदर तो अभी जांच परख कब शुरू होगी और कब उसके अंदर काम होगा, समय तो लग ही सकता है। तो उसको स्वीकार भी पाते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो आज असाइनमेंट के रूप में यही रहेगा कि ये जितनी भी कठिनाइयां अभी बात हुई उनको हम देखें, अगर हम भी उनको फेस कर रहे हैं तो हम उसको कैसे ओवरकम करें। मूल बात है कि दृष्टा भाव में स्थापित होते हुए अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, ब्लॉक B1 से जाके देखना है, मतलब ब्लॉक B1 में स्थापित होना है अपने आप को, वहां से देखना है, अन्यथा ये स्ट्रगल टसल ये सब तो चलता ही रहता है कल्पनाशीलता में। तो अपने भाव को देखना है, भाव को देखने के लिए दृष्टा भाव में स्थापित होते हुए देखना है। तो आपका ध्यान कितनी देर अपनी कल्पनाशीलता पर बना रहता है? आपकी कल्पनाशीलता किसी एक विषय पर ही चलती है या एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती रहती है? यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो कहाँ जाता है? आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं? क्या अपने ध्यान की वस्तु को खुद ही अपने अवेयरनेस में तय करते हैं या ये अवेयरनेस के बिना अपने आप ही तय होता रहता है? और अपनी कल्पनाशीलता को चल रही अपनी कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखने का प्रयास करना है। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी इसमें चर्चा कर ही चुके हैं, आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो स्टेप 1 के अगर ओवरऑल देखें तो इतने असाइनमेंट है अपने पास, इसको हम विधिवत करते रहें, इसको और ठीक से कॉन्क्रिटाइज करना है, ठीक से अपने आप में एक्सप्लेन करना है, इसको अभ्यास में लाना है और इसको जर्नल में नोट भी करना है। ये भी एक अच्छा, इस पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया भी था, पर तो इसको भी ध्यान से देखें कि हम इच्छा को, विचार को, आशा को अलग करके देख पा रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता हम आशा को ही इच्छा मान लेते हैं, तो इच्छा का मतलब जो हम होना चाहते हैं स्वयं में, संबंध में, परस्परता में, भागीदारी में, ये हमारी इच्छा है, भाव है। विचार यानी इसलिए जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, तुलन कर रहे हैं। आशा मतलब ऐसा कुछ घटित हो जाए उसका हम स्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं, उस अर्थ में चयन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों को अलग करके देखना है, ये गृह कार्य है स्टेप 1 के लिए। इस पर आज हम दिन भर काम करें, कल फिर इसमें संवाद करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।